तभी हमें दिखाया जाता है गोकू ब्लैक, और गोकू ब्लैक मदारा से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ही गोकू ब्लैक को किसी की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो फिर कहता है, ये डार्क एनर्जी तो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है, ये मेरी शक्तियाँ को काफी ज्यादा कम कर रही है। इस डार्क एनर्जी ने मेरी कई बार शील्ड को तोड़ दिया जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, आखिर ये किस तरह की एनर्जी है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड बीरस और वीस, और लॉर्ड बीरस और वीस इवल गॉड्स और एंजल्स से लड़ रहे होते हैं, और तभी लॉर्ड बीरस वीस से कहते हैं, hey, वीस क्या तुम्हें भी वो चीज सेंस हो रही है जो मुझे हो रही है। और तभी वीस कहता है, जी माय लॉर्ड, ये डार्क एनर्जी हमारी इंस्टेंट को बंद कर रही है, आखिर ये किस किस्म की शक्ति है जो हमारी सारे ओरास को, हमारी सारी शील्ड और हमारी सारी ताकत को बंद कर रही है, और यही सारी फीलिंग्स इवल गॉड्स और बाकी सभी को भी हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे एक चेयर को समन करके वहाँ पे उस पे बैठ के सभी वॉरियर्स की लड़ाई को देख रहा होता है, और तभी वो शख्स कहता है, अब जब के मैं फिर से एक बार रिकवर हो ही चुका हूँ तो क्यों ना एक बार फिर से उस चीज को दोहराया जाए जो हजारों सदियों पहले हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो अनजान शख्स अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, और वो शख्स अपनी एक टेक्निक का यूज करता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वहाँ खड़े सभी सेलेस्टियल गार्डियंस, जिनमें से सातोरू गोजो काफी ज्यादा खुश होता है और वो फाइट को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ही गोजो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और तभी वो कहता है, मेरी आंखें आज वैसा ही क्यों रिएक्ट कर रही हैं, ये तो कई हजारों सदियों पहले हुआ था जब हम उन सेलेस्टियल मेजिस से भिड़ रहे थे, और तब वहाँ पे एक ऐसा दानव आ गया जिसने वहाँ खड़े उन 5 सेलेस्टियल मेजिस और हम 4 सेलेस्टियल गार्डियंस को मार ही दिया था लगभग, और उस समय सिर्फ मैं ही अकेला बचा था जो उसके खिलाफ लड़ रहा था, और मैं भी मरने ही वाला था कि मुझे तभी मास्टर जालामा की वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि मेरी अनंत शील्ड मेरी इतनी ज्यादा रखवाली कर सकती है कि मास्टर जालामा और वो 4 मिलके भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। मेरी शील्ड को तोड़ना ही काफी ज्यादा मुश्किल था और इसी वजह से मैं उसे हराने में कामयाब हो गया। और तभी गोजो जालामा की ओर देखता है, और तभी जालामा गोजो से कहता है, गोजो मैं अपनी ताकतों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरी ताकतें गायब हो रही हैं। और बिल्कुल यही सेम चीज इवल गॉड्स और इवल एंजल्स और बाकी गॉड्स उन 5 सेलेस्टियल मेजिस और वहाँ खड़े सभी वॉरियर्स पे भी हो रही होती है जो सभी लोग उस जंग में आए होते हैं, सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर। उनमें से एक तो गोजो होता है जो अपनी अनंत शील्ड की वजह से बचा हुआ है, और भैया दूसरे वो 3 वो तो हमारे गोकू वेजिटा और ब्रोली हैं। और तभी नोए हो शेड कहते हैं, इस बार तो हम उनसे लड़े भी नहीं, जैसा कि शिनरोन ने कहा था कि अगर हम उनसे लड़ते हैं कि हमारी ताकतों की वजह से और उसके कलेश की वजह से वो वापिस से जिंदा हो सकता है, इस बार तो हम लड़े भी नहीं पर फिर भी वो कैसे जिंदा हो गया। और तभी जलामा हो टेपियन कहते हैं, ये हमारी ताकतों की वजह से नहीं हुआ नोए हो शेड, ये हुआ है एक एंजल और एक सयन की वजह से। मेरा मतलब मरनो ने उस पूरे के पूरे प्लेनेट को तोड़ दिया जहाँ पे उस कमीने को बंद किया गया था, और सयन गोकू की वो पावर अप की वजह से, उसकी पावर अप की वजह से हम सबको भी उस पावर अप ने पीछे कर दिया था, तो उस कमीने को उसकी पूरी पावर आने पे उस पावर ने कितना ज्यादा फोर्स किया होगा। तुम जानते भी हो वो लोगों की एनर्जी खा जाता है, इसका मतलब उसने सन गोकू की उस पूरी एनर्जी को खा लिया और वो अपनी पूरी ताकत पे आ गया, अब ये हमारा अंत है। ए गोजो क्या तुम उसे हरा पाओगे। और वहाँ के सभी वॉरियर्स यहाँ तक के बारडोग और वो सभी गोकू के वेरिएंट्स, यहाँ तक के ग्रैंड प्रिस्ट लूसी फकुमो केनो जेनो भैया ये सभी भी वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। और उस बैटल फील्ड में जितने भी वॉरियर्स होते हैं, मेरा मतलब उस जंग में जितने भी वॉरियर्स होते हैं, वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट से बाहर निकला है, वो अचानक से ही उस बैटल फील्ड में आ जाता है, और वो वहाँ पे गोजो को देख के कहता है, तो एक बार फिर से मुलाकात हो गई ना गोजो, तो क्या तुम आज नहीं कहना चाहोगे यो वाइमो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो शख्स शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, गोजो का तो ठीक है, उसके पास उसकी इन्फिनाइट शील्ड है, पर ये 3 मेरे उस चक्करव्यूह से कैसे बच गए। और तभी वो अनजान सा शख्स कहता है, लेकिन एक सेकंड रुको, ये शक्ति जो उस सर्फिंग वाले को इस्तेमाल करने से आ रही है, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जिस शक्ति से मैं अपने आप को पूरा रिकवर कर पाया था, इसका मतलब ये वही है जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मैं पूरे का
पूरा रिकवर हो गया। पर फिर भी ये सवाल आता है कि आखिर ये तीनों बचे कैसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले जब अमोन कुन और गोकू ब्लैक कुनिवल गोड्स और एंजल्स के वॉरियर से लड़ रहे होते हैं। और जब गोकू ब्लैक कहता है कि उसका उसकी पावर पे कंट्रोल नहीं, तो अमोन कुन भी ये सुन रहा होता है। और तभी अचानक से ही अमोन कुन का वो लॉकेट चमकना शुरू हो जाता है जो उसने अपने गले में पहना हुआ था। और तभी अमोन कुन के लॉकेट से एक आवाज आती है जो आवाज कहती है, बेटा ये मैं हूँ। और अमोन कुन ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, मोम पर कैसे। और तभी उस लॉकेट से फिर से आवाज आती है, ये लॉकेट जो मैंने तुम्हें बचपन में दिया था, इसमें मेरी थोड़ी सी एनर्जी थी जो मैंने सोचा था कि तुम्हें वक्त आने पर खुद ही पता चल जाएगा। और एक और बात, तुमने ये नोटिस नहीं किया, तुम्हारे फादर ऊपर ही हैं, पर तुम्हें अब कुछ ऐसा करना होगा, तुम्हें उन तीनों के ऊपर इस शील्ड को लगा देना होगा जो मैंने तुम पे लगाई हुई थी। हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, क्योंकि ये तीनों ही हैं जो हमें बचाएंगे। मैंने तुम्हारा अमोन कुन नाम क्यों रखा था बेटा, क्योंकि एंजल के शुरुआत में ए और सैयन के अंत में एन, तुम्हारी कोई सीमा नहीं मेरे बेटे, लड़ो। और अमोन कुन अपनी मोम की ये बात समझ जाता है और वो गोकू वेजिटा और ब्रोली पे उस शील्ड को लगा देता है। और इसी वजह से गोकू वेजिटा और ब्रोली बच गए होते हैं। पर अफसोस की बात है कि अमोन कुन उस दानव से नहीं बचता। और तभी अचानक से ही ब्रोली को कुछ होने लगता है और वो कहता है, कैकरोट मेरी ताकत अनस्टेबल हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस बरसरकर होने वाला हूँ। और ये सब इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि अमोन कुन की शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं कि उन पे ज्यादा देर तक अमोन कुन की वो शील्ड लगी रहे। और फिर हमें दिखाया जाता है गोजो कहता है, इन तीनों सैयंस के पास काफी ज्यादा ताकत है, खास करके उस सर्फिम का इस्तेमाल करने वाले के पास। उसने हम सबको पीछे धकेल दिया था सिर्फ अपने पावर अप की वजह से। अगर वो इन तीनों को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मेरी ताकतें अभी पूरी नहीं है, खास करके मेरी 6 आइस भी, तो मैं तो इसको हराने की सोच भी नहीं सकता। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, क्या मैं उस चीज के लिए कैपेबल हूँ, क्या मैं वो चीज कर पाऊंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। और तभी गोजो अपनी किसी एक टेक्निक का यूज करता है और वो कहता है, इन्फिनाइट शील्ड, रक्षा करो उन तीनों की बुराई से। और तभी अचानक से ही गोजो गोकू वेजिटा और ब्रोली पे कुछ फेंक देता है। और तभी गोजो भी वहाँ से डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। और वो डिसअपीयर होते होते गोकू वेजिटा और ब्रोली से कहता है, आय आय आय, इसे मेरी तरफ से अपना तोहफा समझना। और फिर गोजो उस दानव की ओर देख के कहता है, आए तू, तेरे लिए तो आज भी मैं वही कहूँगा। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू वेजिटा और ब्रोली जो गोजो को भी वहाँ से गायब होता देख कहते हैं, ये तो कमाल का वॉरियर था, इसने सिर्फ हमें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और तभी गोकू ब्रोली और वेजिटा से कहता है, अब हमें अपने लिए नहीं उन सभी के लिए लड़ना होगा जिन सभी ने इस जंग के अंदर अपनी जानों को दांव पे लगाया था। और तभी वो दानव कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम सभी मुझे हरा पाओगे या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस दानव का चेहरा और ये बंदा बिल्कुल एक गॉड और डीमन की तरह लग रहा होता है। और तभी वो दानव अपना नाम बताता है और वो फिर कहता है, मेरा नाम है आसुरा।